नमस्कार, मैं चंदन भारद्वाज P24 न्यूज के क्राइम सीरीज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज नवी मुंबई के एक ऐसे हत्याकांड की कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दरिंदे हत्यारे ने एक मासूम की इतनी बेरहमी से हत्या की है, उसके चेहरे को पूरी तरह से कुचल दिया है, लड़की के शरीर की हड्डियों को तोड़ दिया है, प्राइवेट पार्ट को भी बेरहमी से कुचला है और इतनी दरिंदगी भी कम ना पड़ी तो लाश को कुत्तों से नुचवा दिया। ये कहानी है यशस्वी नामक एक युवती की, जो महाराष्ट्र के उरण में अपने परिवार के साथ रहती थी और बेलापुर के एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। 25 जुलाई को हर दिन की तरह सुबह वो काम पर निकली, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी। परिजन चिंतित हो गए, लिहाजा परिवार वालों ने अपने स्तर पर खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन यशस्वी का कोई पता नहीं चला। काफी तलाश करने के बाद भी जब वो नहीं मिली तो थक हार कर परिजन पुलिस के पास पहुंचे और यशस्वी की मां ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। फिर पुलिस ने लड़की की तलाश शुरू की, लेकिन उन्हें भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसी बीच बीते शनिवार 27 जुलाई को पुलिस के पास एक कॉल आती है। उसमें जानकारी दी जाती है कि पास के ही एक खेत में झाड़ियों के बीच एक लड़की का शव पड़ा है। पुलिस फौरन उस जगह पर पहुंचती है तो देखती है एक शव का चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका था। बॉडी की पहचान कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा था। यशस्वी के परिवार वालों को बुलाया जाता है। परिजन कपड़ों और उसके सामान से यशस्वी की पहचान कर लेते हैं। इसके बाद सवाल उठता है कि यशस्वी की यह हालत आखिर किसने की। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की गुत्थी सुलझाने में जुट जाती है। जांच में यशस्वी के कॉल रिकॉर्ड को खंगाला जाता है तो कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिलता है, जिस पर काफी लंबी बातचीत की गई थी। नंबर के डिटेल से पता चलता है कि यह नंबर दाऊद शेख नामक एक व्यक्ति का है। पुलिस ने दाऊद शेख नामक इस शख्स के बारे में पता किया तो पता चला ये वही दाऊद शेख है जिस पर कभी खुद यशस्वी और उसके परिवार ने पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज कराई थी। ऐसे में गुमशुदा यशस्वी के तलाश में पुलिस ने दाऊद का पता लगाने की कोशिश की, क्योंकि दाऊद का फोन उसी दिन से बंद था जिस दिन से यशस्वी गायब हुई थी। पुलिस ने बताया कि दाऊद से यशस्वी के पीछे 2019 से पड़ा था। वो यशस्वी को अपने साथ ले गया था, उसके साथ दरिंदगी की थी, लेकिन यशस्वी के घर वालों ने उसके खिलाफ पुलिस केस करवा दिया था। साल 2019 में यशस्वी नाबालिग थी और इस मामले में दाऊद शेख को जेल जाना पड़ा और लंबे समय तक वो जेल में रहा। यशस्वी के पिता ने अपने बयान में दाऊद शेख पर ही हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस की एक टीम बनाई गई और उसे कर्नाटक दाऊद शेख को पकड़ने के लिए भेजा गया, जहां से उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दरअसल जेल से छूटने के बाद दाऊद शेख कर्नाटक चला गया था, लेकिन पीड़ित लड़की और दाऊद दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे। इस मामले में अफेयर जैसी बात अभी सामने आई है। बताया जा रहा है कि दोनों संपर्क में थे और आपस में बात करते थे और कुछ समय पहले ही दाऊद दोबारा महाराष्ट्र आया था और दाऊद ने यशस्वी को मिलने के लिए बुलाया और यशस्वी उससे मिलने के लिए चली भी गई, लेकिन कुछ मामूली कहा सुनी के बाद उसका कत्ल कर दिया गया था। पुलिस के मुताबिक दाऊद शेख ने अपना जुर्म भी कबूल लिया है। अब जांच कर रही पुलिस के सामने कई बड़े सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस शख्स को कभी यशस्वी और उसके परिवार ने जेल भिजवाया था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि यशस्वी उसी दाऊद के संपर्क में दोबारा आई और उससे घंटों बात करने लगी। ऐसा क्या हुआ कि दाऊद से उसकी इतनी गहरी दोस्ती हो गई और फिर मोहब्बत हो गई और दोनों घंटों फोन पर एक दूसरे के साथ कॉल और मैसेज पर बात करने लगे और इसकी भनक यशस्वी के घर वालों को कैसे नहीं पड़ी। बहरहाल इन सभी सवालों का जवाब तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ऐसी ही और खबरों को सुनने के लिए, ऐसी ही और कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल P24 न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।